स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में बात करूँ तो आप थंबनेल को देखकर जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों मैं ऐसी जगह पर आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर एक छोटे से गांव के अंदर एक टैलेंटेड बॉय रहता है। एक वो बॉय जो 12th क्लास में पढ़ता है और बच्चों के साथ अपने खेल कूद करता है कभी कभी और फड़ाई कर लेता है। इसी के साथ उसके अंदर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि क्यों नहीं कुछ इसी तरह की डीजे मैं बनाऊं और इस डीजे को मैं बनाकर देखूं और उस डीजे को बनाकर मैं बजाकर देखूं, देखता हूं कि अब मैं सक्सेस होता हूं या नहीं। और यार दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वो बच्चा एक ऐसा टैलेंटेड बॉय जो कि फर्स्ट योग में ही फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो गया, अपने मुकाम को हासिल कर लिया। दोस्तों मैं बताऊँ तो आज उसने एक छोटी सी डीजे बनाई है बट एक दिन वो बहुत बड़ी डीजे बना देगा। आप सोच सकते हैं एक ऐसा बॉय जो इतनी सी उम्र में इतनी छोटी डीजे बनाने की, मतलब डीजे बनाने, आप यही सोच सकते हैं जो डीजे बनाने का काम कर सकता है वो आगे जाकर क्या नहीं कर सकता। उसके अंदर एक टैलेंट है और मैं सोचा क्यों नहीं वो आपको टैलेंट मैं आपको दिखाऊं और वो ही टैलेंट मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ उस गाँव के अंदर। जो मुझको देख रहे हैं आप, मैं उसी गाँव के अंदर हूँ और टैलेंटेड बॉय भी मेरी साइड में है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इसी के साथ आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ना करें तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चलता हूँ मैं आपको उस डीजे की ओर और इस टैलेंटेड बॉय को मिलवाता हूँ आपको और उसका इंटरव्यू दिलाता हूँ आपको। उनका नाम है संदीप, जो आपकी जो पहले ही वीडियो में आ चुके हैं, आप इनको खूब अच्छे से जानते हैं। ये हमारे कैमरामैन हुआ करते थे, अब ये कैमरामैन हमारे हैं। एंड इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अपना एक टैलेंट प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छा, जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जो ये डीजे देखें आप साइड में, इन्होंने ये डीजे बनाई है, बोले तो इसको नागौरी डीजे है ना, नागौरी डीजे के टाइप इन्होंने ये बनाई है। एंड मैं आपको बताऊँ तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो संदीप मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपने ये आइडिया कहाँ से आए डीजे बनाने का, जो आपने मकसद है डीजे बनाने का, आप कहाँ से सोचे, हमारे ऑडियंस को या हमारे सब्सक्राइबर को बताना चाहोगे आप? मैं बचपन में छोटा था जब बच्चों के साथ खेलता था, ओके, इसलिए फिर अब मैं हमारे गांव में डीजे आया नया, ठीक है, मेरे अंकल के लड़के ने डीजे लाया था। अच्छा, आपके अंकल के लड़के डीजे लेकर आए? हाँ, डीजे लेकर देखा उसको मैंने, देखा, ठीक है, कि वो डीजे दीवार वाला था, वो नागौर डीजे नहीं था। अच्छा, मतलब फिर मैंने फोन पे जो दो दो डैक रखे हुए थे जो कॉलम बोलते हैं, हाँ उनको, अच्छा वो डीजे था, ठीक है। फिर मैं यूट्यूब चैनल पे देखा। अच्छा, आप मतलब बाहर जाते थे, मतलब जयपुर वगैरह वहाँ पर नागौर डीजे देखते थे? हाँ, साइड मतलब नागौर डीजे चलते हैं नागौर साइड में। और आपने यूट्यूब पर देखा, कहीं पर भी देखा, इंटरनेट पर देखा आपने, तो नागौर डीजे आपको बहुत अच्छे लगे? हाँ, बहुत, जो कि इस साइड नागौर डीजे बिल्कुल नहीं है। नहीं है, इस साइड कोई डीजे नहीं है। अच्छा, तो आपने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक नागौर डीजे अपनी कला से अपने खुद के हाथों से बनाऊं, ऐसा? हाँ, ऐसा ही सोचा। अच्छा, फिर मैंने ये डीजे बनाने की कोशिश की, इसमें मुझे 7 दिन लगे थे। अच्छा, आपको ये डीजे को बनाने में 7 दिन लगे? हाँ, 7 दिन। तो आपने मतलब आपने ये आइडिया जो एक नागौर डीजे बनाने का आइडियाज है, जो आपने ये टैलेंट आया है, तो मतलब एक हिसाब से आप जयपुर गए आप और वहाँ पर आपने देखा कि नागौर डीजे बज रहे हैं, उनको देखकर या फिर यूट्यूब पर इंटरनेट पर देखकर आपने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी एक नागौर डीजे बनाऊं, तो उसी तरह पर उसी आधार पर आपने ये नागौर डीजे बनाया? नहीं, मैं मेरे बुआ के गया था, वहाँ पर प्रोग्राम था, उसमें नागौर डीजे आया था, पिकअप डीजे, जयपुर साइड। हाँ, जयपुर साइड सापरा में। फिर वहाँ पर मैंने देखा नागौर डीजे, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें लाइटिंग खतरनाक है। अभी मेरे इस डीजे की लाइटिंग हो रही है, ओके, और बस ये अभी खाली बजता है। मतलब आपको अभी आप ये कहना चाहते हैं कि ये डीजे जो है कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट नहीं है अभी। अच्छा, तो मतलब आप अपनी बुआ जी के गए और वहाँ पर आपने देखा नागौर डीजे और वहीं से आप जाकर देखे, मतलब इंटरनेट पर कैसे, मान लो आपने, मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपने नागौर डीजे बनाने की सोच लिया था? हाँ, पूरी सोच ली थी। तो दोस्तों यार मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में, इस वीडियो का मकसद है जो ये है कि ये बॉय है, ये लड़का दिख रहा है आपको, इसकी एक खासियत मैं आपको बताऊं, इस गांव के अंदर, पूरे गांव में नहीं जो कि अलवर जिले के अंदर है, इस साइड में नागौर डीजे एक भी नहीं पाए जाते। और इन्होंने बाहर की तरफ नागौर डीजे देखा और इनके अंदर एक आइडिया आया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसी टैलेंट को मैं आपको दिखाने की सोचा और मैं आपको इस टैलेंट को दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी और मैंने आपको ये टैलेंट आपको दिखाना चाहा। तो यार इसके लिए आप इस लड़के के लिए, इनके टैलेंट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आपसे और कुछ बातें पूछता हूँ कि इसमें कितने फंक्शन है डीजे के अंदर आपने बजाए? इसके पास
दो खूबियाँ इसके अंदर, एक तो अपने फोन रीड से बजता है और एक अपने ब्लूटूथ वगैरह चल रहे ना इनसे बजता है। इसके पास भी बैटरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो एक बात, जो आपके ट्रैक्टर दिख रहा है ये ट्रैक्टर एंड इसके नीचे एक छोटी ट्रॉली हो रहा है, इसी के ऊपर इन्होंने नागौर डीजे इतना बड़ा डीजे बनाया है जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से डट रहा है। और इसमें इन्होंने यहाँ तक ऐसा ही नहीं कि ये डीजे ना बजता हो, ये लोकल डीजे हो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये डीजे बजता है खूब अच्छी तरह से। मैं आपको इसको बजा कर भी दिखाऊंगा। और इसमें दो फंक्शन है, इन्होंने कितना दिमाग लगाया है इस डीजे के अंदर, इतनी सी उम्र में, ओनली मात्र इनकी 15 साल की उम्र है और 15 साल की उम्र में इन्होंने इतना दिमाग लगाया है। मैं आपको बता रहा था इस डीजे के अंदर दो फंक्शन है और वो दो फंक्शन मैं आपको दिखाऊँ तो एक फर्स्ट फंक्शन इसमें ये है, जो ये रीड दिख रही है आपको इस डीजे के अंदर, ये रीड से बजता है। और सेकंड फंक्शन मैं आपको बताऊँ तो इस छोटे से डीजे के अंदर ब्लूटूथ से बजता है ये डीजे। और मैं इसकी तीसरी एंड लास्ट खासियत बताऊँ तो ये डीजे मिक्सर से बजता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं आपको इस डीजे को बजा कर दिखाऊंगा वो किस तरह से डीजे बजता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस डीजे के अंदर जो आपको ये रीड दिख रही है, ये रीड तो मशीन से बजती है जो कि इस टाइम यहाँ पर है नहीं, डीजे मिक्सर। और दूसरी बात है कि इस डीजे के अंदर, छोटे डीजे के अंदर इन्होंने ब्लूटूथ का एक सिस्टम होता है जो ब्लूटूथ से बजती है, और वो ब्लूटूथ इस मोबाइल से कनेक्ट होती है जो कि आपको ये मोबाइल दिख रहा है, MI का मोबाइल है ये, और इससे कनेक्ट होकर ये डीजे बजती है। और हम आपको बजा कर दिखाएंगे इसको, ये आपको बाइक साइड से दिख रहा है ये डीजे। इसमें एक खासियत और इसमें स्पीकर इसमें एंड इस डीजे को हम बजा कर दिखाएंगे आपको किस तरह से ये डीजे बजती है। देख सकते हैं आप, ये इसको बोलते हैं टैलेंट। एक ओनली मात्र 15 साल के बच्चे में इतना बड़ा टैलेंट होना बहुत ही बड़ी बात है। वो आपको दिख रहा है ये डीजे बजाइए आपके सामने किस तरह से डीजे बज रही है, मोबाइल से कनेक्ट है। और एक बार फिर से मैं आपको इसको बजा कर दिखाऊंगा। स्टार्ट तो दोस्तों आपने देखा इस बॉय का टैलेंट, इस बॉय का टैलेंट कितना खतरनाक टैलेंट है इस बॉय में, एंड इतना दिमाग कहाँ से आए इसमें ये आप देख सकते हैं, कितना अच्छा आइडियाज आया इसमें एक गांव के अंदर नागौर डीजे बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।